उमेर फिश कॉर्नर पे फ्राई फिश आ चुकी है जी, ये ज़रा चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको आज की वीडियो में। जैसा कि सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और आप ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे देख चुके हैं फ़िश की, आज दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको डस्का के अंदर आए थे, ये ज़रा चेक कर लें। ये चटनी भी आ चुकी है, ऊपर मगज़ भी डाले हुए। आज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम डस्का के अंदर जो है वो एक हिडन फिश जो है पॉइंट है उसको डिस्कवर करने आए हैं और आप सब शेयर करेंगे। ये लोकेशन जो है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन इसको हम कहते हैं गला शेखा वाला। आप जामते रोड से भी आ सकते हैं, आप सबडेल रोड से भी आ सकते हैं, गला या मस्जिद वाला या गला शेखा वाला, यहाँ पर उमेर फिश कार्नर। ये बेसिकली ना इसका गले के अंदर है, मेन मार्केट से हटते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो फिश है ना, फ्राई फिश होती है इनके पास में, फॉर्मिंग आ रही है रहू है बाकी में। तो आज हम आपके साथ जो है ना वो फ्राई रहू जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। रहू में भी इनके पास दो वराइटीज हैं, एक वो कह रहा था छोटी है, कह रहा बड़ी है। बड्डी जो होती है वो 800 रुपये की के जी है, छोटी जो है ना वो 650 रुपये की। बड़ी का साइज उन्होंने इस तरह बताया, बड़ी देखते हैं कि क्या उसमें से निकलता, क्या कितनी बड़ी होती है। बाकी हमारे जो आज के मेहमान खुशी हैं वो प्रोफेसर शाह साहब हैं, और ये डस्का की दुनिया को खैर बात कह के गुजरावाला की दुनिया में एडजस्ट हो चुकी है। तो हम इनको डस्का में वापस जो है ना वेलकम तो नहीं कर रहे, घर वापस अपने ही आए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अपनी शाह, ये ज़रा चेक कर लें जी। ये एक उन्होंने स्पेशल चटनी है, ये मुझे लग रही है कि वो जो खुबानी है ना उसकी ऊपर उन्होंने डाले हुए हैं मगज। ये भाई बास का फेवरेट रायता, मेरे अगे पे मेरा फेवरेट ही है। आए हाय हाय, ये उन्होंने सिर्फ तुहानू वेख के कल्या है। हां जी, उन्होंने पता सी कि ए ना इन्हें इंज कर देना है, ते ए फिर तोड़े के इंज कर देने हैं। हां जी, आ कर। तो प्रोफेसर शाह साहब भी जी आ चुके हैं आज हमारे साथ, बल्कि बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है। एक वो दिन होते थे कि रोजाना एक दूजे के बजी दा सी, ते हुण वक्त कढ के मिलना जड़ा ना नसीब होया है। देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, बिलाल सौ को मिले हैं, पुरानी जो यादें हैं वही डिस्कस हो रही थी, शेयर हो रही थी, और एक बड़ा पुरसकून सा एनवायरनमेंट है। और वो जो बड़ी सारी फिश कह गई है उसका एक इंतज़ार जो है वो भी कर रहे हैं, अब देखते हैं कि वो किस हद तक बड़ी होगी। लो जी, ये जो है ना उमेर फिश कॉर्नर पे फ्राई फिश आ चुकी है जी, ये ज़रा चेक कर लें। साथ में माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा देसी रोटियां भी आ गई हैं। तो हम अर्ज़ करते हैं अपने मेहमानों से कि वो आगाज़ कर लें इसका। हेलो, चलो जी। लुक तो माशाल्लाह बड़ी ग्रेसफुल लग रही है, लग रहा है कि माशाल्लाह इसका टेस्ट बड़ा कमाल होगा, इस तरह बड़े अच्छे तरीके से इसको फ्राई किया गया है, और बड़ा मतलब आयल भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह गला इसका टेस्ट अच्छा होगा, और ये फ्रेश पीस है, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम भी ट्राई करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा। चलो जी, पहले इसका हम आवाज़ करते हैं। वो जो बड़ा सा कहा था उन्होंने गाना इतना बड़ा कहा था, एक्चुअली हम ये अज्यूम करते हैं फ्राई होने के बाद ये छोटा हो गया, स्क्वीज होते होते ये अपना जो है ना असल फॉर्म में आ गया। अब इसको ट्राई करके चेक करते हैं इसके क्या हुआ। पहले हम अपने प्यारे दोस्त को पेश करते हैं, फिर इसके बाद जो है ना हम नार पटेल साहब फिर इसको ट्राई करते हैं। गुलाब साहब ठीक है, काम हो रहा है। ठीक है सर उसको ट्राई करते हैं क्या इसका टेस्ट है, तो साथ अपना रायता भी वसूल करते हैं। नहीं मैं उधर का नहीं इस्तेमाल कर, मैं बहुत पसंद करता हूं। अच्छा, ऐसा तो खाना ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा, ये ज़रा मेरा हो गया, और ये ग्लासा जितने छोटे हैं ये ग्लासा का हो गया। इसको टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह टेस्ट कमाल है, जितना नज़र आ रहा था माशाल्लाह उससे भी बहुत बेहतर है जी। फिश फ्राई होके हमारे पास आ चुकी है जी,
उसने कहा था कि ये जो बड़ा पीस होगा ना इसमें कंडे बड़े होंगे, तो माशाल्लाह जब लेमन भी आ गया साथ में, ये नज़र भी आ गया उसको कराइटे के साथ एक तरह भी आ फिश जो फ्राई की गई है ना, हाय हाय, ये मेरे ख्याल में ना ये इस बात से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको अच्छी तरह से जो उन्होंने पहले मैरिनेट किए और फिर उसको प्रॉपर जितना फ्राई होना चाहिए ना वो फ्राई होने के लिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दस्ते शहर में हैं या बाहर से भी कहीं से आ रहे हैं, आप ये किसी से भी आप एड्रेस पूछ सकते हैं जी, उसको गला शेखा वाला कहते हैं या कहते हैं गला मुंडे मस्जिद वाला, इसमें है उमैर फिश कॉर्नर, यहाँ पर पहुँच और आगे से जो आप ट्राई करें। इस पॉइंट में दो प्लस पॉइंट्स हैं, एक तो टेस्ट तो माशा अच्छा है, फ्रेश है, दूसरा मेन चीज़ है भी मतलब प्राइस भी मकबूल है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि थोड़ा सा ये मार्केट से हट गए हैं तो इसलिए इनके जो रेट्स हैं ना वो रीज़नेबल हैं, बेहतरीन हो गए। ये जी आप देख सकते हैं जी फिश का हो चुका है दी एंड, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फ्राई फिश थी, आवाम जो है वो माशाल्लाह इंजॉय कर चुकी है। ठीक है जी, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन नहीं है ये शाहिद साहब है, हेलो इनको नहीं प्रेस करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त।